आर्ट की हिस्ट्री में सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट। तो 1961 की बात है, म्यूजियम में एक पेंटिंग उल्टी लगी हुई थी, यानी कि अपसाइड डाउन लगी हुई थी, और किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया और वो 47 डेज तक ऐसे ही लगी रही। तो हेनरी मटीस की ये पेंटिंग, जिसका नाम है द बोट, ये न्यूयॉर्क म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट के एक एग्जीबिशन में लगाई गई थी और हजारों विजिटर्स वहाँ आए, बहुत सारे आर्टिस्ट आए और सबने उस पेंटिंग को देखा, बट किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि पेंटिंग उल्टी लगी हुई है। बट 47 डेज के बाद एक स्टॉक ब्रोकर लड़की ने इस पेंटिंग को देखा और नोटिस किया कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने गार्ड को बताया और तब जाके सामने आया कि पेंटिंग गलत यानी कि उल्टी लगी हुई थी। और ख़ास बात यह है कि हेनरी मटीस के खुद के बेटे ने इस पेंटिंग को म्यूजियम में देखा और उन्हें भी नहीं पता चला कि ये उल्टी लगाई गई है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।